नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक 44.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 0.46% का अप मूव दिया है। इसकी मार्केट कैप हो गया है 6674 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 18.60, फेस वैल्यू है 1 एंड बुक वैल्यू जो है वो है इसकी माइनस में -4.33, जो कि एक छोटे से कंसर्न की बात जरूर है। सेक्टर इसका काफी अच्छा है, फंडामेंटल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। जो वेरी फर्स्ट वीडियो होगी उसमें फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी देख लेते हैं, ये स्टॉक 50 and 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीई अभी इसकी दिखाई नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बीच में डगमगाया था फिर ठीक हो गया था। सेल्स की बात करें तो सेल्स काफी नीचे जा चुकी हैं इसकी, जो कि थोड़े छोटे से कंसर्न की बात जरूर है। एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट इस बार काफी अच्छा आया था एंड नेट प्रॉफिट काफी अच्छा आया था। हालांकि यहाँ पे सेल्स कम हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले से कम आया है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर इनकम जो है वो भारी भरकम तरीके से आई है, उसी की वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा आया है। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट में हमने ये जो सारे चित्रकारी करी है वो इसलिए करी थी कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे दिखाया था, तो इसलिए किया था। जो न्यू है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे रेंज का मैंने इंडिकेटर लगाया है एंड RSI का ऑसिलेटर लगाया है। सो, आज बात करें कि क्या हुआ है मार्केट में। तो देखिए, वैसे तो मार्केट काफी वॉलेटाइल थे आज मार्केट एंड काफी स्टॉक्स गिरे भी हैं, मतलब छोटू सी करेक्शन हुई है स्टॉक्स में। एंड इसको देखे तो देखिए, जो ओपनिंग हुई थी उससे तो नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए ये कैंडल जो है वो रेड है एंड इसने 0.5% का आज, ऑलमोस्ट 0.5% का इसने आज अप मूव दिया है। बट कल भी हमने वीडियो में बात करी थी कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये इसकी काफी भारी भरकम रेजिस्टेंस बन चुकी है, अगर यहां से निकलता है तो ये वाली रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी। तो यहां पे हमने बात करी थी कि एंट्री के मामले में, तो मैंने बोला था कि एंट्री मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बनाती एंट्री, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बना सकती हूँ क्योंकि फ्यूचर इसका ब्राइट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें है, तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इसका अच्छा है। ठीक है, तो अभी एंट्री की आज की बात करने से पहले देख लेते हैं कि कोई न्यूज तो नहीं है। इस चीज को आप जरूर में ध्यान में रखिएगा कि अगर ये SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है अभी और अगर ये स्टॉक भागा तो इसका प्राइस बैंड जो है 5% हो सकता है। ये चीज जरूर में ध्यान रखिए एंट्री बनाने से पहले। एंड अभी के लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में कोई भी किसी भी तरीके की मदद करेगी। सो, यहाँ पे एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे होती तो मैं अगेन एंट्री नहीं बनाती यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बना सकती हूँ क्योंकि पहले तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि यहाँ इस रेजिस्टेंस से निकले। मुझे लगता था कि आज निकल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा आया, पिछले कल वॉल्यूम आया था 19 मिलियन के आसपास, मतलब 2 करोड़ के आसपास, एंड आज वॉल्यूम आया 3 करोड़ के आसपास। तो देखिए, वॉल्यूम तो थोड़ा ज्यादा आया ही है बट फिर भी इसमें ये दिक्कत होगी कि आज मार्केट भी गिरी है तो यहाँ पे सेलर्स का सारे स्टॉक्स में दबाव देखा ही गया है। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पे मैं कभी भी नहीं बनाती शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बना सकते हैं। एंड अगर यहां से ये निकलता है तो हम 60 के टारगेट देख सकते हैं और 60 के बाद हम 75-80 के टारगेट जरूर देख सकते हैं। सो, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है। सेकेंड, अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और खुद इन्वेस्ट करिए। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट लग रही है तो ऑफकोर्स एनालिसिस भी आपको थोड़ी बहुत तो करनी ही चाहिए, आपको नॉलेज होना ही चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।